जय श्री राम, जय बजरंग बली, पाटे जय खट्टू वाले श्याम जी महाराज। क्यों चेक कर, बारिश का माहौल हो रहा है पूरा बढ़िया वाला। क्या ले लिया? पानी ले लिया। कहाँ से? करनाल से ले आया। यमुना मैया से ले आया, गंगा मैया से ले आए पानी। राम जी, श्री राम, जय बजरंग बली जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय बजरंग बली। अभी बारिश शुरू हो गई, पोटे भी तरह बेटे गंदे। कुर्सी बिठा लो भाई, आलू वाले परोठे। सूर्य देवता जी महाराज प्रकट हो चुके हैं भाई, मौसम थोड़ा सा साफ हो गया। कनी से बच के उसका मामा जा रहा था और भाग्य आ गई उसका। भाई पर छोड़ के आ रहा हूँ बस स्टैंड पे, चलो देखते हैं मान जाएगी वैसे। हाँ जी रेडी, चल भाई चल। कनी आएगी? ओ दोनों ने बिठा रहा, तो दौड़ जाना आ रहा अड्डे पे, तो वापिस आ जाएगा चुपचाप। अजी भी कनी बेड़ा क्यों यार, रुक जा तू एक मिनट। तो बोलो जय श्री बालाजी महाराज, जय बाबा, जय बाबा, जय बजर। चल नरवाना चेंज कर लिया, ठीक है ठीक है, पैसे पूछे ले रहे सब। चल 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 चल, बाय बोल दे बेटे, बाय। काको है फोन कर लिया, कोई दिक्कत हो ये आ गई देगा, बाय कर दे बाय। अरे 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 जाऊंगा, बाय जा विनीत, बस 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 बस। मैं तो जूते पहन रहा हूँ, हिरना भी नहीं रहा। जय श्री बालाजी महाराज, जय हो आपकी। रोन लग गई मम्मी के लगा हुई लग रहा। अब कपड़े पहन रहे हो चुप हो पहला आपा, इब गाड़ी में चल रहा हूँ मैं, मम्मी तो विनीत, ठीक है विनीत ने ले जाना, कि ना विनीत ले जा, विनीत ने कौन लेते ना, मम्मी ने लेते, ठीक है ठीक है। आप दोनों चल रहे, मैं भी चल लू बस में, चल लेगा गाड़ी में, गाड़ी में चल लू, चल ठीक है फिर कपड़े पहन ले, ठीक है। खाना जी ले जी, दोपहर का लंच है जी, पूरे नेट 12 बजे हुए हैं, आपने नहीं खाना खाना, आपने काम कर लिया जी। भिंडिया मैडम ने वो बीज तो लिया दे, लस्सी लिया दे जी। बाड़े में पहुंचे, जय श्री परशुराम जी महाराज, जय श्री बाबा ब्रह्मपुरी जी महाराज, श्री बाबा दरबारी दास जी महाराज, जय वाकी। गाय माता का दूध निकालते हुए चाची शाह, क्या हुआ पिंचर होगा? श्री राम हरे ओ राम, मौसम मौसम आज गर्मी में थोड़ी राहत है, आज टेम्परेचर 37 डिग्री रहा, कल 41 डिग्री था, आज मौसम में बड़ी अच्छी सुहानी सी फीलिंग है। कल चलेंगे काम पर, और इसको भी छोड़ के आएंगे आज इनको घर पे, चले छोड़ गया हूँ, अरे नहीं बस में जाना पड़े। और टाइम हो गया वही 6:30, अब आपको कुछ ना कुछ अभी कंटेंट कुछ ना कुछ अभी देंगे, जानकारी देंगे आज तो दे दे, कुछ कंटेंट ही नहीं होता गांव में।
घूमने जाओ तो पैसे लगते हैं, फिर अपने पास इतने पैसे है नहीं जो घूमने के साथ साथ हम वेस्ट करे जाएं। कल भी थोड़े बहुत पैसे थे, मतलब वैसे वेस्ट वाला काम था, लेकिन फिर खेत में जाके बड़ास निकल ली सारी। चाची हमारे हंस रही है, कह रहे क्या बोल रहे हैं बच्चे, काकी सा मदर आ गई, देखो माता रानी आ गई, ये हमारे घर के भगवान है, भगवान जी ए भगवान जी आ जाओ। चाची हंस रही, चिड़िया कुत्ता निकल गया दूध, घूमने फिरने के लिए आए, व्यू चेक करो, व्यू सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं, और मुंह चेक करो मुंह है ना, ये तालाब है वो हमारा, वहां तो मछली है इसमें, सरकारी ठेके पे रखा, यहाँ रहता है ताऊ मछलियों वाला इस कमरे में, और पास में शमशान घाट है, इस कमरे में रहते हैं दोनों मियाँ बीबी, यहाँ खंभे पड़े हैं, इन पे बैठते हैं आराम से, श्री राम जय जय राम है ना, परशुराम जी का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, और इनके पीछे हमारा दरबारी दास जी महाराज का मंदिर है, और सबसे पुराना मंदिर है शिव शंकर बाबा भोलेनाथ जी महाराज का, बालाजी महाराज का, और इधर श्री बाबा राजपुरी जी महाराज की थोड़ी सी ऊँची वो दिख रही है बस यहाँ से, ये देखो बिल्कुल यहाँ से, ये देखो बाबा राजपुरी जी महाराज का मंदिर है, ये सबसे पुराना टावर है, फिर उससे पुराना, फिर गांव में पता नहीं कितने लगे हुए हैं, काफ़ी लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, 5-7 तो ज़रूर होंगे, लेकिन सबसे पहला, फिर उसके बाद में ये, पता नहीं सबसे पहला ये है फिर बाद में वो, लेकिन ये सबसे पुराने, ये दोनों हैं सबसे पहले और सबसे पुराने, अब सबसे पुराने हो गए, और मानसूख मैंने रख लिया, जाने नहीं आज। टेंशन सी हुई पड़ी थी सुबह, कल शाम को मेरे को पता चला कि भाई 50,000 रुपये रामपाल भाई साहब की जेब से निकाल लिए कमरे पे दिल्ली, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, वो ऐसे कैसे पैसे निकल सकते हैं, बड़ा मतलब कैमरे कुमरे सब कुछ चेक कर रहे हैं, आज शाम को भी रात को भी कैमरे चेक करेंगे, पता नहीं भाई क्या निकल के आएगा, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है, लेकिन मैं अगर वहाँ दोनों भाई होते, मैं भी होता रामपाल भाई साहब के साथ में, फिर थोड़ा सा हल हो जाता, या फिर रामपाल वचन भाई साहब होते फिर भी हल हो जाता, दो भाई वहाँ पे होने चाहिए थे तब हल होता, अब ये पीछे से ये काम हो गया तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ कट गए इसमें, मामला ख़राब हो गया, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है भाई, रात से ही मंगाओ यार, फिर मेरे को पता भी एक दिन लेट ही चला, और रामपाल भाई साहब को भी अगले दिन पता चला कि भाई कमरे में पैसे रखे हुए थे, उसके कमरे में बैग रखा हुआ था, बैग के अंदर डाल के वो भट्ठे पे चले गए, पीछे से पैसे निकल गए, वो ताला उन्होंने, रामपाल भाई साहब खैर ऐसा मतलब वो ताला कम ही लगाते हैं कमरे पे, वो बिलीव नहीं करते ताला ताले तुड़े वगैरह में, तो वो बिलीव कम करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने ताला नहीं लगाया और पैसे निकल गए पीछे से, और उन्होंने संभाले भी सुबह हैं, उसके चक्कर में फिर उनको उन्होंने बचन भाई साहब को बताया, बचन भाई साहब ने मेरे को शाम को मेरे को पता चला, आज सुबह से ही थोड़ा सा दिमाग में ऐसे ही चल रहा है, चलो भाई मैंने ये था, मुझे ये था कि भाई कैमरा वगैरह कुछ चेक करेंगे तो मखा निकल जाएंगे, रात तो मैं रिलैक्स होके सो गया, तब तक वहाँ पहलवानों से बात करी मैंने, तब तक उसके बारे में पता लगी, कैमरा मैंने बोल तो रखा था कि भाई हमारे कमरों के पास में भी कैमरे लगवा दो, फिर उन्होंने थोड़ा सा ताऊ तू गुजर गया तो दिक्कत होगी, और कैमरे जब हमने चेक करे तो कैमरों में कुछ भी नहीं था, अपने वाला रेक्टर कमरों में बिल्कुल ठीक सामने ही खड़ा है, लेकिन उसमें कोई बंदा आ जा तो दिख रहे हैं, लेकिन पूरी पहचान प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम, तो उसके अंदर भी समस्या होगी, लेकिन रात में रिलैक्स होकर इसलिए सो गया था कि भाई मगा कोई दिक्कत नहीं ढूंढ लेंगे कैमरे लगे हुए हैं, तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा अब समस्या ही आ रही है, अब सुबह मैं जा रहा हूँ काम पे, फिर देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वहाँ जाके ही सारी समस्या का हल हो सकेगा, एक नंबर का सुकून का मौसम है बिल्कुल अच्छे वाला, देखो यहाँ पे बैठो, मैं तेरे को बैठना बम्बे पे बैठ बैठना क्या, देखो यार आराम से सुकून वाली जगह है, पर बैठने का थोड़ा सा बम्बे हैं बस, वहाँ पे कपड़े ख़राब हो जाएंगे सारे, आज तेरे को रख लिया मैंने, तो मम्मी गालियाँ देगी तेरे, मेरे को बोलेंगे कह रही है आप तो नहीं ठल्ला बैठे ही है, इसको और बैठा लिया घर पे, मैं चला हुआ है और ब्रोसेस खोलने पे लगे हुए हैं, खुला नहीं है लेकिन अभी तक, और नंगा देख ले, नंगे नहीं पलग से दिखते नहीं लगे हुए हैं बच्चे भाई।